नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सर सकल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आइए आपको दिखाता हूँ हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक एक हस्ती है जो बिहार बेगूसराय के हैं, सीताराम सिंह जी, जो अनेकों गाना हमारे हिंदुस्तान की पिक्चर में दिए हुए हैं उनके गाना, और इसका कार्यक्रम आज हम लोग देखेंगे। और इतना का काफ़ी गरीबी उनका फैमिली है जो आज बॉलीवुड में इनका गाना गुनगुनाता है, सुनने को मिलता है। म्यूजिक संगीत सारा चीज़ कंपोज खुद करते हैं। और सीताराम सिंह जी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंच में बैठे हुए हैं, और इसका कार्यक्रम आज रात भर चलेगी। काफ़ी मनमोहक होती है इसकी प्रोग्राम। सीताराम सिंह जी हैं बेगूसराय के, जो बिहार के कलाकार हैं, और कहा जाता है कि बिहार के कलाकार इनके बिना अधूरा है। ये इनका एकता का ही ये भी हैं सदस्य, और जन गीतों के महान कलाकार हैं सीताराम जी। और इनका बहुत से पिक्चर में गाना भी, म्यूजिक भी, सारी चीज़ कंपोज किए हुए हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ डाल्टनगंज शिवाजी हॉल में, जो भारतीय जन नाटक संघ इप्टा के द्वारा यहाँ आए हुए हैं इस सम्मेलन में। और बस कुछ ही पल में इसका कार्यक्रम यहाँ शुरू होगी, और तमाम इप्टा के सदस्य और कलाकारगण यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, और मीडिया बंद करीब से जुड़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर वो फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम है काबिलीवाला। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, झूम लूँ उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। Thank you.
आखिरी गीत लेकर आ रहे हैं। स्त्री की आजादी की ख्वाहिश और उड़ान को वही समझ सकता है जिसने स्त्री की तड़प को, उसके संघर्ष को खूब अच्छी तरह महसूस किया है। और इप्टा के कलाकार, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि इप्टा के कलाकार इस तड़प को समझे। शैलेंद्र ने एक गीत लिखा, फिल्म थी गाइड। विजय आनंद जो उसके डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि अगर ये शैलेंद्र ना होते तो ये फिल्म को जितनी शोभी गाना है, कल के अंधेरों से निकल के देखा है, आंखें मलते मलते आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने की गहरी सबको जाना है पार। दिन पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम भी बदला मौसम भी ताजा। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसो ओ तू फिर आए ना आए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन की धुन इप्टा के बैनर तले बनी थी, यानी इप्टा ने देश प्रेम को देखने का एक नया नजरिया दिया। और देश प्रेम का मतलब क्या होता है ये अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बताने की कोशिश की। एक गीत है जो देश प्रेम और देश प्रेम को बताने में, देश के प्रेम को जताने वाला, दिल को छू लेने वाला गीत है। इसे लिखा था इप्टा के प्रेम धवन ने।